नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। तो नगर निकाय चुनाव में अब से महज कुछ ही दिन बचे हैं। 4 मई को लखनऊ में निकाय चुनाव होने हैं और लखनऊ समेत 75 जिलों के साथ ही कुछ कुछ जिलों में भी निकाय चुनाव 4 मई को होने हैं, जिसके लिए जो तैयारियां हैं वो लगातार शुरू हो चुकी है। तो कुछ पार्टियां 2024 के चुनाव से पहले अपनी जमीन को मजबूत करने में जुटी हैं, तो वही जो तमाम अब दल है वो भी अब जनता के बीच ज्यादा सक्रिय हो गए हैं, क्योंकि 4 मई को निकाय चुनाव होने हैं। ऐसे में अब दिन बहुत ही कम बचे हैं और 2 मई को चुनाव प्रचार पर पूरी तरीके से ब्रेक लग जाएगा, यानी अब सभी प्रत्याशियों को महज 5 दिन का ही समय शेष मिला है, यानी 5 दिन का ही समय बाकी रह गया है कि प्रत्याशी जो है वो जनता के बीच पहुंचे और जनता से समर्थन मांगे। तो इसी बीच लगातार प्राइम टीवी की टीम भी हर एक वार्ड में पहुंच रही है, हर एक वार्ड की पड़ताल कर रही है। इसी बीच जब हमारी टीम चिन्हट द्वितीय वार्ड में पहुंची तो वहां हमारी मुलाकात निर्दलीय प्रत्याशी रमेश कुमार पांडे से हुई। अगर रमेश कुमार पांडे के जीवन पर हम एक नजर डालें तो पूर्व में सैनिक भी वो रह चुके हैं और वहीं कारगिल का युद्ध भी लड़ चुके हैं रमेश कुमार पांडे। समाज सेवी के रूप में भी उन्होंने अपनी अच्छी खासी पहचान बनाई है और उन्हें जनता का भी खासा जनाधार मिल रहा है। तो कारगिल युद्ध लड़ने के बाद, सेना में अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं देने के बाद अब उन्होंने राजनीति में आने का फैसला लिया है। तो ये फैसला कहीं ना कहीं बहुत रोमांचक माना जा रहा है, क्योंकि जब एक सैनिक राजनीति में आता है तो उसकी जो माइंडसेट है वो काफी अलग होता है, उसकी योजनाएं काफी अलग होती हैं। तो ऐसे में रमेश कुमार पांडे अब जब राजनीति में उतरे हैं, चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो उनसे लोगों को खासी उम्मीदें भी हैं, क्योंकि अगर रमेश कुमार पांडे के जीवन पर हम एक नजर डालें तो वो बतौर सैनिक देश में कई सेवाएं दे चुके हैं। वो बॉर्डर पर तैनात रहे, कारगिल युद्ध में भी उनकी हिस्सेदारी काफी अहम मानी गई और बाद में वो समाज सेवी के रूप में भी अब पहचाने जाते हैं। और साथ ही चिन्ह द्वितीय वार्ड से वो निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं और वो निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, नामांकन दाखिल हो चुका है और अब 4 को वोट डाले जाएंगे। तो जनता का भी खासा जनाधार रमेश कुमार पांडे के साथ है, क्योंकि वो सेना में रह चुके हैं और उन्होंने देश को अहम सेवाएं दी हैं। बॉर्डर पर वो तैनात रहे हैं, साथ ही जब पूरा देश हर त्यौहार मना सके, जब पूरे देश के नागरिक शांतिपूर्ण तरीके से रह सके, हर त्यौहार मना सके, अपने परिजनों के साथ रह सके, इसके लिए भी रमेश कुमार पांडे लगातार देश के बॉर्डर पर तैनात रहे हैं और कारगिल युद्ध भी लड़ चुके हैं रमेश कुमार पांडे और पूर्व में सैनिक भी रहे हैं। और रमेश कुमार पांडे ने बतौर समाज सेवी भी अपनी पहचान बनाई है, अक्सर वो लोगों के लिए मौजूद रहते हैं, चाहे वो कोई भी समय हो, चाहे वो कोई भी दिन हो और चाहे वह कैसा भी वक्त हो, हर वक्त वो लोगों के लिए मौजूद रहे हैं, लोगों के साथ मौजूद रहे हैं और लोगों के बीच हमेशा मौजूद रहे हैं। यही वजह है कि अब जनता का खासा जनाधार भी उन्हें मिल रहा है और जैसे ही जनता को पता चला कि उनके पसंदीदा समाज सेवी रमेश कुमार पांडे चुनाव लड़ रहे हैं तो उनमें खासा उत्साह देखने को मिला, क्योंकि अब जो लोग हैं, जो जनता है उनके वार्ड की, उन्हें रमेश कुमार पांडे से काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि जो व्यक्ति सेना में रह चुका है, जो व्यक्ति देश के लिए अपनी सेवाएं दे चुका है, ऐसे में अगर वो व्यक्ति उनके वार्ड से चुनाव जीतता है तो लोगों की उम्मीदें भी बढ़ना उनसे लाजमी है। तो चिन्हट द्वितीय वार्ड से निर्दलीय प्रत्याशी हैं रमेश कुमार पांडे, जिनको जनता का भी खासा जनाधार मिल रहा है, क्योंकि वो समाजसेवी के रूप में एक अच्छी पहचान बना चुके हैं, वो लोगों के साथ हमेशा मौजूद रहे हैं। और इस बीच भी अब निकाय चुनाव लड़ने की जब उन्होंने घोषणा की तो उसके बाद से ही लगातार वो जनता के बीच पहुंच रहे हैं, जनता का समर्थन मांग रहे हैं, क्योंकि 4 मई को लखनऊ में वोट डाले जाएंगे। ऐसे में अब महज 5 दिन का समय ही शेष रह गया है, तो अब जो तमाम प्रत्याशी हैं वो लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं, जनता से समर्थन मांगने का भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो वही चिन्ह द्वितीय वार्ड से निर्दलीय प्रत्याशी रमेश कुमार पांडे बने हैं और साथ ही साथ अब जनता का भी उन्हें खासा समर्थन मिल रहा है। तो इसी बीच हमारे साथ चिन्ह द्वितीय वार्ड से बतौर निर्दलीय प्रत्याशी रमेश कुमार पांडे जुड़े हैं। रमेश जी, पहले तो मैं प्राइम टीवी पर आपका बहुत स्वागत करूंगी। रमेश जी, आपने कारगिल युद्ध में भी आपकी एक हिस्सेदारी काफी अहम रही है, फिर आपने समाज सेवा भी की, अब आपने आखिरकार ये निर्णय लिया कि आप राजनीति में जाएंगे, तो अपने जीवन के बारे में पहले एक परिचय हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए कि कैसा रहा आपका जीवन, क्या क्या संघर्ष आपने देखे अपने जीवन में। पहले अपने क्षेत्र के समस्त जनता को मेरा प्रणाम। मैं 1997 में सेना में भर्ती हुआ और ट्रेनिंग खत्म हुई तो उसी समय कारगिल युद्ध की शुरुआत हुई।
और कारगिल युद्ध की जब शुरुआत हुई थी तो उस समय मैं छुट्टी पर आया। छुट्टी पर आने के बाद जो तुरंत मैसेज आया कि आपको तो जाना है सेना में, तो फिर मैं वहां पर ट्रेन पकड़ करके अपने लिए कारगिल चला गया, वहां लड़ाई लगी। और उसके बाद जो है हमको 5 गोलियां थी लड़ाई थी, तो 3 घुटने पर भी और 2 सर। आप सभी का आशीर्वाद था, आप सभी का सभी से गर्व था कि मैं वापस। उसके बाद मैंने एक सिक्योरिटी कंपनी खोली, सिक्योरिटी कंपनी खोल करके अपने जीवन में अपनी शुरुआत की और लोगों के बीच में सेवा का भाव रखते हुए सबके बीच में जनता का प्यार हमें बहुत। ठीक है रमेश जी, अब आपने फैसला लिया कि आप निकाय चुनाव लड़ेंगे और जनता का ज्यादा से ज्यादा आप मदद करने का भी प्रयास करेंगे, तो क्या यह आपका पहला चुनाव है या इससे पहले भी आप कोई चुनाव लड़ चुके हैं? नहीं, इससे पहले मेरी राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है जी, पिताजी की, लेकिन मेरी रही है 17 साल के अवस्था में सेना में चला गया था। तो अभी सेना से सिक्योरिटी कंपनी चलाया, सिक्योरिटी कंपनी चल रही है। और उसी दौरान जब मैं टहलने जाता था, सबसे गिरता था लोग देखता था, सुनता था, तो लोग कहते थे कि चुनाव लड़िए लड़िए, लेकिन मैं डरता नहीं। लेकिन बाद में इतना फोर्स लोग करने लगे, करीब सारे वरिष्ठ नागरिक है, हर जात हर धर्म के लोग कहते थे कि आपको चुनाव लड़ना है, मैं आया, बोला चलिए हम भी पैसा लेते हैं चुनाव। तो सबसे पहले एक सीढ़ी होती है पार्षद का, मैं बोला चलिए पार्षद का चुनाव लड़ा, पार्षद का चुनाव लड़ाया हूँ, जिसमें आप देखिए क्षेत्र में इतना प्यार मेरा जनता का। ठीक है रमेश जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि जनता ने कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दिया कि आप चुनाव लड़े, और ऐसे में अब आप निकाय चुनाव में महज कुछ ही दिन रह गए हैं और आप जब जनता के बीच जा रहे हैं तो कैसा जनाधार आपको मिल रहा है? बहुत भरपूर प्यार मिल रहा है और लोग इवन ऐसी है जहाँ लोग सारे VIP लोग आते हैं, गाँव में लोग आते हैं, तो VIP लोग जल्दी मिलते होते नहीं किसी से, लेकिन मैं जब जाता हूँ घंटी बजाता हूँ तो लोग मिल के आते हैं, मुझे पकड़ कर कहते हैं मेरा 1 कप चाय पी के जाए। बताइए इस तरह से लोग प्यार करते हैं। जब माताओं के पास जाता हूँ, बहनों के पास जाता हूँ तो लोग मुझे गले लगा और गोद में भी बैठा लेते हैं, इतनी माताएं हैं कि मुझे गोद में बैठा लेते हैं। बिल्कुल, यानी कि जनता का प्यार आपको बखूबी मिल रहा है। लेकिन अगर मैं जिक्र करूं चुनाव का, तो जो प्रत्याशी है वो तमाम ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पर अक्सर वादे करते हैं कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो वो सड़कें बनवाएंगे, रोड्स बनवाएंगे, तो आप कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर चुनावी मैदान में उतरे हैं? देखिए सबसे पहले हम सुरक्षा का मुद्दा, चूंकि हम फोर्स से रहे, सेना से रहे, बिल्कुल सिक्योरिटी पहले मेरा प्राथमिकता होगी। सिक्योरिटी में जैसे कि मैंने बताया है कि हर मोहल्ले हर गांव हर चौराहे पर CCTV कैमरे लगवाए गए, और इसलिए मेरा मन हुआ कि देखिए स्मार्ट सिटी लखनऊ मान लीजिए, स्मार्ट सिटी में आता है तो वो लोग करने वाले होने चाहिए, लोग करने वाले होना चाहिए, लेकिन करते नहीं है, उनके पास कोई विजन नहीं है, कोई प्रोजेक्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो इसलिए काम नहीं हो पाता है। और लोग अपना विकास करते हैं, अपना जो विकास करेगा वो कभी किसी का विकास हो ही नहीं सकता है, देश का विकास नहीं होगा, क्षेत्र का विकास नहीं होगा। देखिए पहले क्षेत्र में विकास होगा तभी प्रदेश का विकास होगा, जब प्रदेश का विकास होगा तब देश का विकास होगा, जब देश का विकास होगा तो नागरिकों का विकास होगा। बिल्कुल ऐसी सारी चीजें हैं कि लोग करते नहीं, तो हमारा माइंड सेट बना, चूंकि देखिए मैं ठीक ठाक ईमानदार हूँ और कहने की जरूरत नहीं है, लोग भली बात जानते हैं कि मैं कैसा व्यक्तित्व है मेरा। मैंने हमेशा लोगों की मदद की, अगर किसी ने मेरे लिए चल दिया एक उंगल भी, मैं उसके लिए पूरा सर कटाने के लिए तैयार रहता हूँ, तन मन धन तीनों। मैं कभी भी रात के 11 बजे 12 बजे नजदीक हो रहा। ठीक है रमेश जी, आपने सेना में भी अपनी सेवाएं दी हैं और फिर आपने समाज सेवा की है, अब आपने राजनीति में कदम रखा है, तो इन तीनों में आपको अंतर क्या लगता है? अंतर ये लगता है कि फौजी का जीवन सत्य पर आधारित होता है, उसका लक्ष्य कहीं होता है कि बस जो मुझे काम मिला उसको पूरा करके दे, लेकिन यहाँ दुविधा इस प्रकार की है कि लोग आपस में बात तो करते हैं लेकिन पीछे कुछ और बात करने लगते हैं, तो उससे थोड़ा सा समझ से परे हो जाता है। लेकिन बट मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मेरे साथ लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है,
मेरे साथ लोग खड़े हैं, जहां जाता हूं लोगों का भरपूर प्यार मिलता है। हमारी क्षेत्र की जनता पढ़ी लिखी जनता है, समझदार है, अच्छी लगता है, और कोई यहाँ जात विशेष धर्म कोई मतलब नहीं, जी अच्छे लोग। जी रमेश जी, जब आप समाज सेवा के तौर पर, एक समाज सेवी के तौर पर काम कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है आपने लोगों को तमाम तरीके की सुविधाएं दी होंगी, उनकी मदद की होगी, लेकिन आपके दिमाग में ये कब आया कि नहीं, अब मुझे राजनीति में उतरना है और राजनीति में रहते हुए लोगों की समस्याओं का समाधान निकालना है? इसलिए आदत पड़ा कि क्योंकि कई लोग हमसे मिलते थे तो कहते थे पांडे जी ये सड़क नहीं बना है, इसके लिए मैंने ये किया, ये नहीं हुआ, नाली नहीं बह रही है, उसके बाद सीवर का समस्या लेके आए लोग, स्ट्रीट लाइट की समस्या लेके आए लोग, और गाड़ियां इवन गोमती नगर में मान के चलिए कि महीने में एक चार पांच गाड़ियां चोरी होती ही है, तो पार्किंग की समस्या है, जैसे 400 स्क्वायर फीट के मकान है, 800 स्क्वायर फीट के मकान है, 1200 स्क्वायर फीट के मकान है, वहां सड़कें कम है, पार्किंग की समस्या है, वहां से गाड़ियां बाहर करनी पड़ती है। तो मैंने ये सोचा कि सार्वजनिक पार्किंग का एक निर्माण किया जाए। उन्होंने लोगों ने पूछा क्यों कैसे करेंगे, जमीन है नहीं। मैंने बोला पार्क है, पार्क को खुदवा करके अंडरग्राउंड बनाया जाता, ऊपर पार्क रहेगा, नीचे पार्किंग बनेगी, बिल्कुल तो सारी समस्या को दिया जाए। बिल्कुल रमेश जी, जब मैं आपकी बातें अभी ये पार्क को लेकर सुन रही थी तो आपका माइंडसेट मुझे सबसे काफी अलग लगा। तो अगर जनता का जनाधार आपको मिलता है तो आप और कौन कौन से काम कराएंगे, जिस पर हमेशा जो पार्षद है, जो सभासद है, वो एक्सक्यूज देते हैं कि जगह नहीं है तो काम नहीं हो पाएगा, पैसे नहीं है तो काम नहीं हो पाएंगे। देखिए कुवैत एक छोटी, कितनी छोटी देश है, सिटी कंट्री है, लेकिन कुवैत में हर सुविधा है। वो कहां से आया दिमाग, कैसे किया उन्होंने, यहाँ पैसा आता है, ऐसा नहीं करा कि गवर्नमेंट नहीं देती है, गवर्नमेंट देती है, देने के लिए तैयार बैठी है, लेकिन उसको आप करिए तो प्रोजेक्ट बनाइए, जाइए बिठाइए तो नहीं देगी गवर्नमेंट, तो विकास के लिए बैठी है, तो लोग बना नहीं पाते हैं, सेट हो नहीं पाता है, तो ये लोग बहाना बनाते हैं कि गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर रही है, वैसा नहीं कर रही है, पैसे नहीं कर रही है, गलत बात। आप उसको लेके चलिए कि हम काम करें किस प्रकार से। अब पार्किंग की व्यवस्था आप मान के चलिए कि 50 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 50 करोड़, 5 करोड़ का हम लोग का बजट होता है, 50 करोड़ कहाँ से आएगा भाई, प्रोजेक्ट बनेगा जाकर होगा, पास होगा, सब कुछ बन सकता है। बिल्कुल रमेश जी, अगर जनता का जनाधार आपको पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाता है तो सबसे पहले वो दो काम कौन से होंगे जो आप करवाएंगे? सबसे पहले हम जितने मोहल्लों के अंदर जो है रोड है उसको इंटरलॉकिंग कराएंगे, इंटरलॉकिंग सिस्टम से बनाएंगे, उसमें चूंकि अलकतरा जो है पानी का सबसे बड़ा दुश्मन है, तो वो रोड खत्म हो जाती है, कितना भी बना लीजिए आप रोड खत्म हो जाती है, तो इंटरलॉकिंग वाला हो जाएगा तो वो 10 साल कम से कम चलेगा। तो सबसे पहले वो नाली की काम, फिर दवा का छिड़काव मोहल्ले में हर 15 दिन में एक बार छिड़काव कराऊंगा, क्योंकि उससे डेंगू हो रहा है, मलेरिया हो रही है, बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं गाँव की हालत बताने, मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि गांव में मैं घर पर जाता हूं तो सामने मैं गांव से खड़े होकर बात नहीं कर सकता हूं, ऐसी परिस्थितियां खराब है यहाँ की। तो सबसे पहले गांव को हाईटेक बनाऊंगा, जो स्मार्ट सिटी है लखनऊ के अंदर है भाई, उनका खेत जमीन सारे चीज चला गया, इससे मैं वो बेरोजगार है और कोई रोजगार नहीं है उनके पास, कोई कमाने का सिस्टम नहीं है उनके पास, तो सबसे पहले मैं गाँव को भी फोकस करूंगा और कॉलोनियों को भी फोकस करूंगा, ऐसी बात नहीं, गाँव को भैया कि कम से कम उस रूप में लेके आऊं ताकि वो उससे मेल हो सके, हम गांव के रहने वाले अपनों के साथ रहने वाले। बिल्कुल रमेश जी, जब आप अपने वार्ड की तस्वीरों को देखते होंगे तो क्या आपको लगता है कि जो आपसे पहले पार्षद थे या जिनको जनता ने अपना समर्थन दिया था, जो जनता के लिए काम करने के वादे से चयनित हुए थे, क्या उन्होंने काम किया है उस वार्ड में? देखिए मैं फौजी आदमी हूँ, मैं बोलूंगा तो बहुत कुछ, लेकिन बोलना नहीं चाहता हूँ, लोग अपना विकास किया, क्षेत्र का विकास नहीं किया। आप एक बार सर्वे कहीं भी करा लीजिए, नालियां सारी जो है बंद है, सीवर जो है एक एक फीट के अंदर में गहराई हुए, तो आप सीवर एक फीट में बना है तो कहां से जाएगा पानी, जाएगा उसमें कहां से कोई भी चीज जाएगा, सब कचरे फंस जाते हैं, कोई काम नहीं होता है, बहुत ज्यादा करप्ट हुआ है, बहुत ज्यादा करप्शन हुआ। इस मुद्दों को मैं उठा रहा हूं। बिल्कुल
रमेश जी, अभी आपने अपने आंखों देखे अपने वार्ड का हाल बताया और आपने बताया कि जो पुराने पार्षद थे या जो भी प्रत्याशी थे उन्होंने जनता के लिए कोई भी काम नहीं किया, लेकिन जब आप बॉर्डर पर तैनात रहे होंगे और जब आप घर वापस आते होंगे तो आपको उन तस्वीरों को देखकर कितना दुख होता होगा कि एक तो आप बॉर्डर पर रहकर देश की सेवाएं कर रहे हैं, देश के नागरिक जो है वो सुरक्षित रहे उसके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जो देश के अंदर हमारे जनप्रतिनिधि बैठे हैं वो कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए, जनप्रतिनिधि अच्छा हो तो वहां की क्षेत्र की जनता हमेशा कुछ सहा देंगे। लोग कहते हैं राम राज, राम राज जब होगा जब आपको राम की तरह बनना हो। राम की तरह बनने का मतलब कि आप भूखा रह जाओ लेकिन अपने क्षेत्र के लोगों के लिए रोटी की व्यवस्था करो, तो राम राज इससे आता है, न कि अपने एसी एयर कंडीशन में बैठ जाओ और 10 लेके साथ चलो, तो उससे राम राज नहीं आएगा, वो आपका ऐस राज आएगा, राम राज नहीं आएगा। राम राज आप कैसे भी पहने हो, मैले हो, कुचैले हो, कुछ भी हो, लेकिन आपकी क्षेत्र की जनता जब पैंट शर्ट बढ़िया पहन के जाएगी तो उससे पहचान जनता की नहीं होगी, ये होगा कि रमेश पांडे के क्षेत्र की जनता है। देखिए, रमेश पांडे कैसे थे, क्षेत्र कैसा है, वहां खुशहाली हमको लाना, हमको राम राज इस प्रकार से लाना। और मैंने ठाना है कि मैं वो करके दिखाऊंगा कि पार्षद होता क्या, पार्षद का वर्ग क्या होता है, पार्षद कर क्या सकता है, मैं वो करके दिखाऊंगा। मेरे अंदर वो जज्बा है, मेरे अंदर वो जोश है, मेरे अंदर वो करने की क्षमता है, मेरे अंदर वो करने बनाने सिस्टम बनाने की क्षमता है, तो मैं वो करूंगा और दिखाऊंगा। और 5 साल के बाद यहाँ दोबारा कोई प्रत्याशी ऐसा ही खड़ा होगा जो उस लायक हो। ठीक है रमेश जी, अक्सर जब हमने देखा है कि जो हमारी टीम है वो लगातार जनता के बीच जब पहुंच रही थी तो लोगों को ये शिकायतें थी कि वो अपने जो जनप्रतिनिधि है उसको चुन तो लेते हैं लेकिन वो 5 साल तक उनके वार्ड में या उनके क्षेत्र में देखने तक नहीं आते, तो आप लोगों की धारणाओं को बदलने का कितना प्रयास करेंगे? देखिए, जनता हमसे जहां भी जाते हैं, क्या पार्षद में जाता था कन्वेंशन में डोर टू डोर, तो लोग बोलते थे क्या 15 साल हो गया पार्षद का चुनाव, हम 15 साल यहाँ रहते हुए हैं लेकिन किसी ने आज तक वोट मांगते हैं क्या, पार्षद भी वोट मांगते हैं क्या? मैं बोला ऐसा कोई आता ही नहीं, बोला नहीं कोई वोट मांगने के लिए यहाँ तक कोई नहीं आया, एक पहले व्यक्ति हैं आप जो अब शुरुआत किए हैं कि वोट मांगने। उसके बाद जो है, देखिए मैं जब मांगना स्टार्ट किया तो लोगों ने भी थोड़ा थोड़ा घूमा लेकिन घूम नहीं पाएंगे क्योंकि देखिए क्षेत्र बड़ा है, हर चीज बड़ा है, लेकिन मैंने हर घर को टच किया, हर घर गए, हर लोगों की समस्याओं को सुना है। इस प्रकार से सारा चीज हमने फोकस कर लिया और हमारा घोषणा पत्र में सारी सिस्टम है कि हम सीसीटीवी कैमरा लगवाएंगे, दवा का छिड़काव कराएंगे, सार्वजनिक पार्किंग की व्यवस्था करेंगे, सारी चीजें हैं, हम न्यूज स्तर पर काम करेंगे, हमारे पास लोग हैं, हमारे पास सिस्टम है, हमको खाने का मोहताज, हम खिलाने का मोहताज है, हमको हमारा एक नेचर ये है कि खिलाने जैसा अच्छा कुछ होता नहीं है और खाने जैसा बुरा कुछ होता ही नहीं, तो मैं हमेशा खिलाने का प्रयास करूंगा, खाने का प्रयास नहीं करूंगा, ये मेरा मोटो है, ये मेरा सिद्धांत है। बिल्कुल रमेश जी, आपकी सोच अभी तक काफी हमें पसंद आई क्योंकि अक्सर जो नेता है वो अक्सर अपने खाने पे बिलीव रखते हैं, अपना बचाने पे बिलीव रखते हैं, वो जनता के लिए कुछ नहीं करते हैं, तो इसको लेकर आपकी सोच क्या है? देखिए, मैं जनता, मैं नेता नहीं, बिल्कुल मैं एक आर्मी का सोल्जर हूँ और मुझे शुरू से ये सिखाया गया है कि सेवा करके ही सेवा का भाव मिलता है, सेवा का प्रेम मिलता है, मन को शांति मिलती है, तो इस प्रकार से हमने सेवा ही करना है और कोई ऐसा चीज नहीं कि हमको खाने की चक्कर है, ईश्वर दे रहा है, सब कुछ हो रहा है, हमारे यहाँ अच्छे खासे वर्कर हैं, काम करते हैं, इवन रात को 12 बजे भी किसी के यहाँ डेथ हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, मैं रात को 12 बजे स्वयं चला जाता हूँ, 4 आदमी लेकर के उसकी सारी व्यवस्थाएं कराता हूँ, उठाता हूँ, सब कुछ करता हूँ, तो ऐसा नहीं है, सेवा का भाव ही है, चुनाव से पहले भी करता था, चुनाव के बाद भी करूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जाऊंगा, बिल्कुल मैं हर दिन जाऊंगा, जब भी जाऊंगा मीटिंग होगी, हर लोगों को नियुक्ति करूंगा, सब करूंगा, मैं अपने क्षेत्र की जनता को पूरा विश्वास दिलाऊंगा कि आपको कभी भी अगर पार्षद चुनने का मौका मिले, इसी सोच के साथ, इसी संकल्प के साथ आप उस पार्षद को चुने। ठीक है रमेश जी, अब आप प्राइम टीवी के माध्यम से जनता से क्या कुछ अपील करेंगे? जनता से मैं यही अपील करना चाहता हूँ, समस्त क्षेत्रवासियों से,
सबसे पहले मेरा उनको प्रणाम धन्यवाद कि आप ऐसे प्रत्याशी को चुने जो आपको हर दिन सुख दुख में आपका साथ दे सके, आपके साथ चलने की हमेशा कोशिश करें, आपके साथ रहने की कोशिश करें, आपसे मिलने की कोशिश करें। ये ऐसे जनता को चुना, एक ईमानदार हो, स्वच्छ हो, साफ हो, है ऐसे व्यक्तित्व को चुने। हमको ना किसी जात से मतलब है, ना मुझे किसी धर्म से मतलब है, ना मुझे किसी समुदाय से मतलब है, ना मुझे किसी ऑर्गेनाइजेशन से मतलब है, मुझे इंसान से मतलब है जी। और मैं इंसान हूँ इसलिए मुझे इंसान चाहिए जी। और इंसान के रूप में मैं हर व्यक्ति को देखता हूँ, तो मैं ऐसे ही व्यक्तित्व को चुनना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद रमेश कुमार पांडे जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही साथ आपने काफी अच्छी सोच हमारे दर्शकों के बीच पहुंचाई कि अक्सर जो प्रत्याशी होता है वो खाने वाला नहीं खिलाने वाला होना चाहिए, क्योंकि अगर आप जनता के लिए सोचेंगे तो अगले 5 साल बाद भी वो जनता आपको फिर से सराहेगी और आपका काम दिखेगा, और अगर आपका काम दिखेगा तो जाहिर सी बात है कि जो जनता है उसके बीच आपको नहीं जाना पड़ेगा सिर्फ वोटों को मांगने के लिए, क्योंकि ये कहा जाता है कि आप जितना ज्यादा काम करेंगे, आप जितना ज्यादा लोगों के लिए रहेंगे और जितना ज्यादा लोगों के साथ रहेंगे, लोगों का समर्थन भी आपको उतना ही ज्यादा मिलेगा। तो 2 मई को, और आपको बताते चले कि अब निकाय चुनाव की तारीखें काफी नजदीक आ चुकी है, तो ऐसे में अब तमाम जो प्रत्याशी हैं वो लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, क्योंकि लखनऊ में 4 मई को वोट डाले जाएंगे। ऐसे में जो सभी पार्टी के प्रत्याशी हैं या जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं और जनता से ज्यादा समर्थन मांगने का प्रयास कर रहे हैं। तो नगर संग्राम की हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।